हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास और मैं हूँ स्नेहा। हमारे चैनल स्नेविका ब्लॉग हाउस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेनिस की सिटी के आजू बाजू आप क्या क्या देख सकते हैं। अगर आपको वेनिस जाने के लिए कैसे प्लान करना है ये सब जानने के लिए आप इधर लिंक क्लिक कीजिए। हम लोग वेनिस गए थे जर्मनी से और हम वहाँ पे पहुंचे थोड़ा लेट आफ्टरनून के अराउंड 5 PM, ताकि हम लोग थोड़ा वेनिस का इवनिंग एंजॉय कर पाएंगे वहाँ पे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से प्रॉपर साइट सीइंग चालू कर सके। हम आपको इस वीडियो में वेनिस आइलैंड कैसे पहुंच सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके दिखाएंगे। अगर आप प्लेन से आया तो आप सीधा मार्कोपोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप उतरेंगे। सो आप एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर आ गए तो आपको बहुत सारा शटल बस लेने के लिए मिलेंगे, वो डायरेक्टली वेनिस सीधा सीधा चला जाएगा। और एक रास्ता है, आप थोड़ा चल के आ गए तो इधर एक छोटा सा जेटी है, वो जेटी से आपको वाटर बस मिल जाएगा, वो भी आपको सीधा वेनिस लेके जाएगा। और आपको अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वेनिस में एक संता लूसिया ट्रेन स्टेशन है, बहुत बढ़िया स्टेशन है, इधर बहुत सारे हाई स्पीड ट्रेन भी आ जाएंगे, आप इधर भी आके डायरेक्ट उतर सकते हैं। और अगर आप क्रूज से आएंगे तो वेनिस पोर्ट में भी आपको उतरा जाएगा, इधर से आपका टूर शुरू हो जाएगा। मोर ऑर लेस आपको इधर देखा गया तो आपका सब लगभग सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ही जगह पे आपको वेनिस में उतराएंगे, सिवा ये वाटर बस जो है वेनिस में बहुत जगह स्टॉप से सो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है। बस आपको पड़ेगा 8 यूरो वन साइड पे और 15 यूरो एक राउंड ट्रिप टिकट के लिए। और वो जो रिटर्न टिकट है आपको उसी दिन यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जब वेनिस आइलैंड से वापस आ रहे होंगे आप तब यूज कर सकते हैं। बस जो है वो मार्कोपोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेनिस के एंट्रेंस तक ही आता है, उसके बाद आपको दूसरा वाटर बस बोट लेके अपने होटल तक जाना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्कोपोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही वाटर बस बोट ले लो, वो आपको पड़ेगा 15 यूरो एक साइड के लिए और कोई एक्स्ट्रा लगेज है तो उसके लिए 3 यूरो एक्स्ट्रा। जैसे हमने आपको हमारा पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमने जो है हमारा होटल वेनिस आइलैंड में बुक किया था, तो इसके लिए हमने एयरपोर्ट से ही वाटर बस बोट ले लिया था। एक तो हमारा होटल जो है वो बस स्टॉप से काफी दूर था और दूसरी वजह ये थी कि हमको ना वेनिस का एक जबरदस्त एंट्रेंस मिलेगा वो ग्रैंड कैनाल के थ्रू जाने के लिए। वेनिस एयरपोर्ट से वेनिस आइलैंड पहुंचने के लिए वाटर बस बहुत मशहूर ऑप्शन है, लेकिन उधर बहुत लोग भी रहेंगे, आपको क्यों में कभी कभी अप टू 45 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा आपको एक वाटर बस में जगह मिलने के लिए। एक बार आपका जर्नी शुरू होने के बाद लगभग 45 मिनट्स लगेंगे वेनिस पहुंचने के लिए। आपको सीजन के हिसाब से लगभग 2 घंटा लग जाते हैं एयरपोर्ट से वेनिस पहुंचने के लिए, आप प्लान इस हिसाब से करिएगा। हमने सोचा था कि हम शाम को पहुंचेंगे और पहुंचते पहुंचते रात हो गया था, इसके वजह से हमको वेनिस को रात में देखने का मौका मिला। हाँ, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। होटल पहुंचते ही हम लोगों को बहुत भूख लग गया था, इसलिए हम लोग डिनर के लिए रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए निकल गए। वहाँ पे हमें लोकलाइट से पता चला एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था कॉफलर। ये रेस्टोरेंट एक सुपरमार्केट के ऊपर है जहाँ पे आप लोग पानी या फिर स्नैक्स खरीद सकते हैं। ये रेस्टोरेंट का मेन्यू हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ बहुत सारे वेजिटेरियन डिशेस भी थे। ये रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर में एक अच्छा सा कैनल फ्रंट बार भी है, इवनिंग एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। आपको और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इटली में आपका मेन्यू प्राइस है वो फाइनल नहीं होता है, वो बाद में एडिशनल सर्विस चार्ज लगाया जाता है, वो ये सर्विस चार्ज जो है रेस्टोरेंट के हिसाब से, आप ये दिमाग में रखिएगा। और ये एप्लीकेबल है अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाएंगे, टेक अवे के लिए ऑलमोस्ट मेन्यू का सेम प्राइस ही रहता है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो हमने मेंशन किया है ये है टॉप साइट सीइंग लोकेशंस ऑफ वेनिस। हम वेनिस स्पेशली जाते हैं सेंट मार्क स्क्वायर, रियाल्टो ब्रिज और गंडोला राइड देखने के लिए, बट हमारा एक सजेशन है आप अपना साइट सीइंग जो है वो पुंटा डेल्ला डगोना से चालू कर सकते हैं और एंड में सेंट मार्क स्क्वायर आ सकते हैं, क्यों करके हम ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। चलिए फिर साइट सीइंग चालू करते हैं। पुंटा डेल्ला डगोना एक खूबसूरत बिल्डिंग है, ये ग्रैंड कैनाल और गुड़ेका कैनाल के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में खड़ा है। इस बिल्डिंग को 1677 में एक कस्टम बिल्डिंग जैसा बनाया था ताकि कोई भी शिप ग्रैंड कैनाल एंटर करने से पहले वो अपना कस्टम ड्यूटीज जरूर पे करे, बट आज ये बिल्डिंग एक म्यूजियम है। ये जो बिल्डिंग का लोकेशन है ये बाहर से देखने का पूरा वर्थ है,
क्योंकि यहाँ से हम लोग सैन मार स्क्वायर का एक व्यू ले सकते हैं और एड्रियाटिक सी का एक इनफिनिट व्यू देखते हुए हम लोग बहुत अच्छे से हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम संता मरिया डेला सलूटे चर्च देखने के लिए जाएंगे। ये चर्च इसीलिए बनाया गया था, 1630 में वेनिस में बहुत बड़ा प्लेग आ गया था। ये प्लेग के एंड में भगवान को थैंक यू बोलने के लिए चर्च बनाया गया था। ये चर्च की खासियत है कि ये पूरा चर्च का अंदर और बाहर का शेप एक अष्टभुज के या इंग्लिश में ऑक्टागोनल शेप में है। ये चर्च के अंदर जाने के लिए 4 यूरो का एंट्री फीस है, कभी कभी ये फ्री भी हो जाते हैं, आप एक बार एंट्रेंस में चेक कर लीजिएगा। पुंटा डेला डोगोना से आप गुडेका कैनल के तरफ चल के जाए तो आपको संता मरिया डेल रोजारियो बोल के एक और एक सेंचुरी के एक बहुत पुराना चर्च देखने के लिए मिलेगा। उस जमाने में एक ये मठ और हॉस्पिटल था, इसको पहले संता मरिया असुंता बोल के भी कहा जाता था। अब बाहर से देखे तो ये बहुत पुराना बिल्डिंग जैसा दिखता है, लेकिन अंदर बहुत बढ़िया पेंटिंग्स रखे हुए हैं इधर के लोकल आर्टिस्टों की। यहाँ से आप चल के सिटी सेंटर के तरफ जाएंगे तो आपको एक चर्च सेंट मरिया ग्लोरिसा दे फरारी करके मिलेगा। ये एक गॉथिक आर्किटेक्चर का चर्च है। बाकी सारे चर्च जैसा ये चर्च भी फेमस पेंटर्स के वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे दो पेंटिंग है, अजम्पशन और मैडोना ऑफ द हाउस, जो नामी पेंटर से बनाया गया है, इसके लिए लोग यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। अभी चलते हैं वेनिस के सबसे बढ़िया ब्रिज रियाल्टो ब्रिज। पूरा ग्रैंड कैनल में क्रॉस करने के लिए 4 ब्रिजेस है, उसमें सबसे बड़ा ब्रिज है रियाल्टो ब्रिज। पहले ये ब्रिज उड से बनाया गया था, ये बहुत बार गिर रहा था, इसीलिए फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया हम ये पत्थर से बनाते हैं। ये ब्रिज बनाने के लिए 3 साल लग गया। पूरा वेनिस में ये रियाल्टो ब्रिज का एरिया जो है पूरा हैपनिंग प्लेस है। इधर आप शॉपिंग के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स है और बहुत सारे राइड्स जो है, अगर आपको गंडोला जाना है ये सब इधर से शुरू हो जाता है। गंडोला राइड बहुत सारे जगहों पे होता है और ये हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हमने गंडोला राइड रियाल्टो ब्रिज के यहाँ से चालू किया था। ये राइड को लगभग लग जाते हैं 45 टू 50 मिनट्स तक और आपको ये पड़ेगा 80 टू 90 यूरो पर ट्रिप के हिसाब से, और हर ट्रिप में मैक्सिमम 4 लोग ही जा सकते हैं। जो ये गंडोला को चलाते हैं ये इन लोगों को गंडोलियर बोलते हैं और इसका लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है और इन लोगों को ये ऑफिशियल ड्रेस भी पहन के रहना पड़ता है। मुझे लगता है इसके वजह से ही इसका प्राइस इतना कॉस्टली है। अगर हमने तो ये राइड बहुत ही एंजॉय किया हमारा बॉलीवुड का फेमस गाना गाते हुए, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रवासी मार्को पोलो कौन नहीं जानता, वही मार्को पोलो यही वेनिस नगर से आता है। इन्होंने 16 साल में ये वेनिस नगर छोड़ के पूरा सिल्क रोड से उसका प्रवास शुरू किया था। जब वो फिर वापस आया था 24 साल गुजर गए थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोरर को ट्रैवल करने का इंस्पिरेशन दिया, उसमें सबसे मशहूर है क्रिस्टोफर कोलम्बस। आज भी हम मार्को पोलो के बारे में बहुत सारे बुक्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, इटली के करेंसी में भी उसका नाम छपा हुआ है, लेकिन जिंदगी ऐसा चीज है, आज उसका पुराना घर में सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, ये मार्को पोलो का घर था। बहुत बुरा लगा। अगर आपको मार्को पोलो के बारे में और कुछ जानना है तो नेटफ्लिक्स में मार्को पोलो बोल के एक सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। अभी हम चलते हैं सेंट मार्क स्क्वायर। सेंट मार्क स्क्वायर टावर टोरे डेल ओराला जियो पहुंचने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये टावर को 1490 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह टावर पानी के रास्ते शहर में आने वालों व्यापारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण था। यह शहर के ऐतिहासिक केंद्रीय बिंदु के रूप में राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से और आर्थिक रूप से खड़ा है। एक खुली बालकनी में टावर के तीसरे स्तर में मेरी और उसका बच्चे की मूर्ति है। इसे तांबे से बनाया है। बालकनी गैलरी के दोनों ओर रोमन नंबर और अरबी संख्या में मिनट, बड़ी नीली अंकित घड़ी महीने की राशि और चंद्रमा के वर्तमान चरण को दर्शाती है। सैन मार्को स्क्वायर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ भी होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ बेचने के लिए भी खड़े रहते हैं, तो आप अपना ध्यान यहाँ पे जरूर रखिएगा। और जैसे ही आप लोग ये बेसिलिका, व्यू टावर, क्लॉक टावर सब देख के खत्म करेंगे तो फिर आप पोमनाडे में एक अच्छे से वॉक के लिए जा सकते हैं। बेसिलिका ऑफ सैन मार्को सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक है और इसकी कलाकृति और ऐतिहासिक के लिए जाना जाता है। ये चर्च आपको ऐसा दिखता है कि पूरा ग्रैंड कैनल को देख रहा है और ये चर्च के बाजू में डोज के महल भी है। इस चर्च में प्रवेश फ्री है, इसलिए आप
यहाँ भारी भीड़ और क्यू भी उम्मीद कर सकते हैं। बहुत पहले वेनिस गणराज्य एक अलग देश था, इसके अपनी सरकार था। ये सरकार चर्च द्वारा समर्थित थी, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, डोज राज्य का प्रमुख थे, जैसे वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। डोज के महल तब सिर्फ डोज का निवास नहीं था, बल्कि यहाँ सभी राजनीतिक बैठकें होती थी। इस इमारत में कई बड़े हॉल है। आज तो एक उस जमाने में ये एक बहुत प्रसिद्ध इमारत थी, जहां आपका सभी राजतांत्रिक चीजों का बातें चलती थी। लेकिन आज ये एक सिर्फ डोज महल में जाने के लिए प्रति व्यक्ति को 19 यूरो का खर्चा होगा। अभी हम चलते हैं कंपानेल दी सान मार्को, या फिर इसको बेल टावर बोल सकते हैं। इस इमारत को पहले लाइट हाउस जैसा बिल्ड किया गया था और उसके बाद इसको वॉच टावर में कन्वर्ट किया था। ये जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक्चुअली ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट 19th सेंचुरी में ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गिर गया, तो फिर इसको नया का नया पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया है। ये टावर के अंदर जाने के लिए आपको पड़ेगा 8 यूरो पर पर्सन के हिसाब से, पर आप ये टावर में जरूर जाइएगा। ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे 5 बड़े बड़े बेल्स दिखाई देंगे, जो अपना अपना खुद का एक एक पर्पस है। यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा मजा क्या आया कि आपको यहाँ पे वेनिस को हर एंगल से देखने का एक मौका मिलेगा, और सुबह आपने जो जो चीजों को देखा था वो आप यहाँ पे खड़े होके देख सकते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ के टावर से आप लोग आल्प्स देख सकते हैं। हम लोगों को भी पहले यकीन नहीं हुआ, फिर हमने इंटरनेट में चेक करके इसको कन्फर्म किया। ये सैन मार्को स्क्वायर में आप बहुत सारे वीडियोज और पिक्चर ले सकते हैं, जैसे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने ये बॉलीवुड गाने में लिया था, लेकिन आपके पीछे बहुत सारा भीड़ होगा। वेनिस में आप वेनिस आइलैंड के अलावा बहुत सारे चीज कर सकते हैं। वेनिशियन आइलैंड में 3 ऐसे आइलैंड से ये बहुत पॉपुलर है वेनिस के अलावा, वो है मुरानो, बुरानो और टर्चेलो। ये सब आप एक ही पैकेज टूर में कर सकते हैं। ये पैकेज टूर के लिए आप डायरेक्टली जेटी में जाके टिकट्स भी खरीद सकते हैं। ये आपको 20 यूरो पर पर्सन पड़ेगा। मुरानो जो है ग्लास मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो आर्ट जो है ग्लास मेकिंग, ये गवर्नमेंट के तरफ से इसको सेफ किया गया है। उसका मतलब है अगर आप मुरानो ग्लास सिर्फ कह सकते हैं अगर ये ग्लास मुरानो में बना हो। जब आप मुरानो में जाएंगे, ये कलाकार लोग कैसे ग्लास बनाते हैं आप देख सकते हैं। और आपके लिए खरीदने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है उधर, सवनियर्स है, कॉर्नर पीसेस है, और तरह तरह के ग्लास आपको देखने और खरीदने के लिए मिलेंगे। और पूरा दुनिया में मुरानो जो ग्लास इनोवेशन में बहुत प्रसिद्ध है। यूरोप में जब ग्लास मेकिंग के चीज आती है, तब मुरानो पहले नंबर में आ जाता है। बुरानो वेनेटियन लगून का एक और आइलैंड है। ये बहुत ही ब्राइट और कलरफुल बिल्डिंग के लिए फेमस है। यहाँ का जो घर का ओनर है, उसको अपने घर को पेंट करने के लिए भी एक गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसको एक लिस्ट भेजेगा कि कौन सा दीवार के लिए कौन सा कलर लगाना चाहिए। ये सब करने के बाद ही ये सिटी इतना खूबसूरत लग सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं। स्पेशली सारे लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्कार्फ मिलते हैं, जिसका काम भी बहुत ही सुंदर होता है, तो आप यहाँ पे जरूर जाके खरीदिएगा। हमारा ये हाईलैंड हॉपिंग ट्रिप का लास्ट आइलैंड है टर्चेलो। टर्चेलो में बहुत ही लोग कम है। ये पूरा वेनेटियन लगून में इसको पेरेंट आइलैंड बोल के कहा जाता है, क्योंकि जो वेनिस में लोग है बहुत पहले टर्चेलो से आए हुए थे। वेनिस का सेंट मार्क बेसिलिका बिल्ड करने से पहले कैथेड्रल एंड बिशप सिर्फ टर्चेलो में थे। हम तो हाईलैंड हॉपिंग टूर को सबसे सुबह बुक किया था, इसीलिए हम लगभग 2:00-3:00 वापस आ गए थे। शाम को हमारा टाइम फ्री था, इसीलिए हमने गोस्ट वॉकिंग टूर को बुक किया था। अगर आपको ये टूर इंटरेस्टिंग लगा तो हम इधर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उधर हमने आपके लिए लिंक डाला हुआ है। हमने ये रियाल्टो ब्रिज पे ब्यूटीफुल सनसेट देखा और उसके बाद हम लोग टूर पे गए। ये टूर बहुत ही मजेदार था और हमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भूत के स्टोरीज बताया गया था। ये टूर आपको पड़ेगा लगभग 30 यूरो पर पर्सन के हिसाब से, तो इसलिए अगर आप ये टूर पे नहीं जा पाए तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम गोस्ट स्टोरी पे एक वीडियो बना सकते हैं। हमको वेनिस का ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा और अगले सुबह हम लोग निकले सैंटा लुसिया रेलवे स्टेशन के तरफ। वापस जाने के लिए आप वाटर बस ले सकते हैं या फिर स्टेशन तक चल के भी जा सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो देख के आपको जो भी जानकारी चाहिए था आपका वेनिस ट्रिप प्लान करने के लिए आपको सब कुछ मिल गया। और हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप वेरोना और पड़ोवा वेनिस से कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पे और क्या क्या देखने के लिए है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा सो प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।